हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 9th एंड द चैप्टर नेम इज द फन दे हैड। ओके, वी हैव ऑल अबाउट दिस चैप्टर इन आवर ऑनलाइन क्लास। ओके, एंड देयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इट रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम यहाँ रीड करेंगे वो कहाँ पर सेट है, फ्यूचर में है, ये ध्यान में रखना। वी आर नॉट रीडिंग द प्रेजेंट स्टोरी, वी आर जस्ट गोइंग टू रीड द स्टोरी विच इज़ सेट इन द फ्यूचर। वैन बुक्स एंड द स्कूल्स एज वी नो नाउ देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। वो कह रहा है कि जैसे बुक्स को और स्कूल को हम आज जानते हैं, ये शायद उस टाइम क्या है, एग्जिस्ट नहीं करते बेटे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। कहते स्कूल नहीं है, बुक नहीं है, तो हाउ द चिल्ड्रन स्टडी देन, तो चिल्ड्रन कैसे पढ़ते हैं। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। जो डायग्राम है नीचे वो आइडियाज़ दे रहे हैं कि कैसे स्टडी होती है फ्यूचर स्कूल में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हेयर द पिक्चर ऑफ अ बॉय एंड द कंप्यूटर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। वैन देयर विल बी नो बुक नो स्कूल्स देन द चिल्ड्रन वुड लर्न फ्रॉम कंप्यूटर्स। सेकेंड वन इज़ वर्चुअल क्लास रूम। दिस इज़ होल रूम एंड हेयर यू कैन सी द गैजेट्स ऑफ डिफरेंट टाइम्स। इट इज़ द वर्चुअल क्लास। वर्चुअल मीन्स दैट इज़ नॉट रियल क्लास, सपोज टू बी क्लास। थर्ड वन इज़ द रोबोटिक टीचर। हेयर द रोबोटिक टीचर टेक्स प्लेस ऑफ द रियल ह्यूमन बींग्स। ओके, एंड नाउ इट्स द मूविंग ई टेक्स्ट। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, मीन्स बुक्स। ई टेक्स्ट हैज़ टेक प्लेस द रियल बुक्स। ओके, देयर इज़ नो रियल बुक्स, देयर इज़ ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स बुक इन साइड द कंप्यूटर। दिस इज़ द स्कूल ऑफ द फ्यूचर वेयर द लर्निंग कम्स थ्रू कंप्यूटर। वर्चुअल क्लास रूम एंड टीचर आर नोन नॉट ह्यूमन बींग्स, दे आर द रोबोटिक टीचर्स एंड द बुक्स आर नॉट रियल, दे आर द मूविंग ई टेक्स्ट। इन पेयर्स डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू विल लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज एंड राइट देम डाउन। आप स्कूल में तो हो नहीं जो पेयर्स बना सकते हैं। यू नाउ यू आर एट होम, यू कैन मेक द पेयर विद योर फ्रेंड्स एट एनी वेयर एंड राइट डाउन थ्री थिंग्स। वो तीन चीज़ें विच यू लाइक द मोस्ट एंड विथ द अदर थ्री थिंग्स विच यू वुड लाइक टू चेंज, जो आप चेंज करना चाहते हैं। यू विल डिस्कस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और द कंप्यूटर स्क्रीन। द राइटर इज़ आस्किंग फ्रॉम अस कि आपने कभी वर्ड्स रीड किए हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर या कंप्यूटर पर। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो सारी वो टाइम जो कंप्यूटर पर बुक होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन द पेपर, और पेपर पर कोई भी बुक नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या तुम वो बुक्स ज़्यादा पसंद करोगे। मार्गी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेयर द रियल चैप्टर फ्रॉम द पैरा नंबर 1। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी यूज टू राइट हर डायरी एंड मार्गी ने डायरी में राइट किया ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157। वहाँ पर ये डेट राइट हुई थी। शी रोट टूडे टोमी फाउंड अ रियल बुक। टोमी यहाँ पर दूसरा करेक्टर है और वो कहती है, मार्गी कह रही है, मार्गी इज सेइंग दैट कि टुडे टोमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टोमी ने क्या फाइंड आउट की है, रियल बुक फाइंड आउट की है। रियल बुक्स जो ये जैसे ये वाली रियल बुक्स हैं ई टेक्स्ट की जगह। और इट वाज वेरी ओल्ड बुक, और ये कैसी बुक थी, बहुत ही ओल्ड बुक थी। एंड मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट When he was a little boy, his grandmother father told him that there was a time when old stories were printed on the paper. मार्गी के जो grandfather थे उन्होंने एक बार बताया था जबकि वो छोटे लड़के थे कि सारी जो बुक होती हैं वो कहाँ प्रिंटेड होती थी और सभी स्टोरीज पेपर के ऊपर। They turned the pages, उन्होंने पेज पलटे, which were yellow and crinkly, जो कि येल्लो थे और क्रिंकी थे। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को क्या किया, टर्न किया, विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, जो पेजेस थे वो कैसे कलर के थे बेटा, ये ध्यान में रखना, येल्लो कलर के थे यानी कि फेड हो चुके थे, वाइट से येल्लो में टर्न हो गए थे, और क्रिंकली थे यानी कि सिलवटे आई हुई थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स
दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे आर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन. जैसे स्क्रीन पर होते हैं वो मूव करते रहते हैं, हम हिला सकते हैं उनको, लेकिन जो बुक्स में वर्ड्स लिखे होते हैं उनको हम कुछ भी नहीं कर सकते. एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. कहता है वही वर्ड्स रहते हैं जैसे कि फर्स्ट टाइम रहते हैं जब हमने रीड किया था. कहने का मतलब जो ई टेक्स्ट होता है और जो पेपर प्रिंटेड टेक्स्ट होता है दैट इज़ टोटली डिफरेंट. जो इस पर टेक्स्ट है यहाँ बुक पर, रियल बुक पर, वो बिल्कुल क्या रहता है, स्टिल रहता है, स्थिर रहता है एक ही जगह. और जो कंप्यूटर में टेक्स्ट होता है वी कैन मूव दैट टेक्स्ट. नेक्स्ट पैरा, गी सेड टोमी एंड व्हाट अ वेस्ट. क्या कह रहा है टोमी ने कहा, आगे बढ़ो, क्या वेस्ट है. When you are through with book, you just throw it away. And I guess our television screen must have had a million of books on it and good for plenty more. I wouldn't throw it away. कहते हैं हमारी जो उस पर कंप्यूटर स्क्रीन पर वो जो बुक्स हैं वो लाखों हैं और उनको हम फेंकते भी नहीं हैं. जो रियल बुक्स होते हैं उनको पढ़ने के बाद क्या कर देते हैं, रद्दी वाले को बेच देते हैं या फेंक देते हैं. सेम विद माइन सेड मार्गी. मार्गी ने भी कहा मेरे साथ भी ऐसा. सी वॉज 11 एंड हैड सीन एज मैनी टैली बुक्स एज टोमी हैड. वो 11 ईयर्स की है और उसने भी उतने ही बुक देखे जितने की टोमी ने. ही वॉज 13. और टोमी कितने साल का है, 13 का. सी सेड Where did you find it? तुमने इसे कहाँ पाया, मार्गी इज आस्किंग. एंड माई हाउस, उसने कहा मेरे घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग इन द एटिक. एटिक होता है पड़छत्ती, जो घर में जिसको आप स्टोर हाउस भी बोलते हैं. और वहाँ पर उसको ये मिली बुक. व्हाट इज अबाउट स्कूल, कहते स्कूल के बारे में क्या है. नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 3. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. मार्गी क्या थी, बिल्कुल ही मीन्स क्रिटिसाइज वाले वे में थी उसकी, बुराई करने के तरीके में. स्कूल वर्ड्स देयर टू ट्राइट अबाउट स्कूल. स्कूल के बारे में क्या है लिखने को. आई हेट स्कूल, मार्गी इज सेइंग दैट. मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. कहती है अब तो मैं और भी ज़्यादा नफरत करती हूँ स्कूल से, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है, जो मैंने आपको रोबोट टीचर दिखाया था, वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा है. कौन से सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में. और वो वर्स होता है ख़राब करना, बैड वर्स वर्स्ट, वो और भी ख़राब किए जा रही है जब तक कि उसकी मदर ने उसको सिर पकड़ के नहीं हिलाया. और किसको भेजा उसने, काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा इसको ठीक करने के लिए. ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 4. ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विद रेड फेस. अब यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर के फिजिकल फीचर्स दिए हुए हैं कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो कैसा है. राउंड लिटिल मैन, गोल मटोल सा छोटे कद का आदमी है. उसका फेस कैसा है, रेड है. एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड द वायर. उसके पास पूरा बॉक्स है टूल्स का जिसमें वायर्स भी हैं और डायल्स भी है. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट. वो स्माइल किया, मार्गी को एक एप्पल दिया और टीचर को अलग निकाल लिया. अपार्ट होता है अलग. मार्गी हैड होप ही वुड नोट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर. वो सोचती है जो टीचर ठीक करने आए हैं ना ये काउंटी इंस्पेक्टर, इसको पता ही नहीं होगा कि इसको कंप्यूटर को कैसे असेंबल करना है. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक अगली स्क्रीन विद ए बिग स्क्रीन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क. लेकिन एक घंटे बाद वो फिर से भद्दी सी बड़ी सी अगली होती भद्दी सी स्क्रीन आ गई जिस पर सभी कुछ दिखाया जा रहा था. एंड दैट वाजंट सो बैड. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लोट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. ये देखो इम्पोर्टेंट लाइन है कि मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत किससे होती थी, उस पार्ट से होती थी जहाँ पर उसको क्या है होमवर्क फिल करना होता था. स्लोट होता है खाली स्पेस बिल्कुल. एंड टेस्ट पेपर सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन द
Panchkot, and they made her learn when she was 6 years old, and mechanical teacher calculated the mark in no time. No time means बिना कोई टाइम लिए बिल्कुल उसको क्या है कैलकुलेट कर देता है. जैसे क्लास में टीचर होता है आपका टाइम लेता है ना, ऐसे ही वो क्या है कंप्यूटर वाला जो टीचर होता है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता. नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 5, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी हैड. जो इंस्पेक्टर है उसने स्माइल की और जब वो फिनिश कर लिया उसने अपना काम, और पैटेड होता थपथपाना, मार्गी के हेड को थपथपाया. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये लिटिल गर्ल की फॉल्ट नहीं है. मिसेस जॉन, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. कहते ज्योग्राफी जो सेक्टर है वो थोड़ा सा क्या है तेज हो गया है, कभी कभी ऐसा हो जाता है. आई हैव स्लोड इट, मैंने इसको स्लो कर दिया है अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, एक 10 ईयर के बच्चे के लेवल के हिसाब से मैंने इसको स्लो कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, जो ओवरऑल पैटर्न है प्रोग्रेस का वो क्या है बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के हेड को दोबारा थपथपाया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी क्या है डिसअपॉइंटेड होगी मीन्स निराश हो गई. सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो टीचर को यानी कि सॉरी कंप्यूटर को बिल्कुल ही वहाँ से लेके चले जाएंगे. दे हैड वंस टेकन टोमिस टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ. ओके, उसका एक्सपीरियंस रहा है कि जो टोमी का जो टीचर यानी कि कंप्यूटर था उसको 1 महीने के लिए ले गए थे बिकॉज हिज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, जो कि क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था ना वो कम्प्लीटली क्या हो गया था ब्लैंक हो गया था. एंड सो सी सेड टू टोमी, इसलिए उसने टोमी को बोला वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में क्यों लिखेंगे कोई भी. एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड फ्रॉम द पैरा नंबर 6 to 10, एंड इफ आई विल इंक्लूड दीज पैराज इन दिस वीडियो विल गेट सो लॉन्ग. एंड आई होप यू विल लाइक to watch only small videos. Okay, we will meet in the next video with from the para number 6.